Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. अपनी तमाम विशिष्टताओं के बावजूद जनजातीय समुदाय अभी तक विकास के मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए वह हर कदम उठाए जाएंगे जो जरूरी होंगे। इसी सिलसिले में यूपी के सीतापुर में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शहर स्थित आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 18 और 19 फरवरी को आयोजित किया जाना है। जनजाति विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर के विद्वान भाग लेकर अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। सेमिनार में आदिवासी समुदाय के उत्थान, सशक्तिकरण और उस क्षेत्र में विकास से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस चर्चा को जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा फसल कटाई के बाद कार्यों सहित प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक संपत्तियों में भी महती भूमिका निभाई जाती है, लेकिन आजादी बाद से अब तक वह निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। गरीबी, शैक्षिक समस्याएं, स्वास्थ्य, नक्सलवाद जैसी तमाम समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तराखंड देहरादून के पद्मश्री पर्यावरणविद डॉक्टर कल्याण सिंह रावत मैती होंगे। इसके अलावा भारतीय शिक्षाविद सरदार पटेल विश्वविद्यालय आनंद गुजरात, प्रोफेसर रमेश एच मकवाना, पूर्व विभागाध्यक्ष MJP रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, प्रोफेसर NN पांडे, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार, असम से प्रोफेसर शुभजीत चक्रवर्ती, महाराष्ट्र से प्रोफेसर वैभव सबनीस सहित देश के विभिन्न प्रांतों से विद्वान अपने विचारों को रखेंगे। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर प्रणीता सिंह और कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। एकीकरण हेतु एक नवीन दृष्टिकोण के विकास के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसका शीर्षक है न्यू विजन फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजीज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जनजातीय सशक्तिकरण के लिए जो नवीन दृष्टिकोण का विकास होना है, उससे संबंधित जो नीतियाँ बन रही हैं या बनाई जानी हैं, तथा उसके लिए जो अवसर प्राप्त हो रहा है या अवसर सृजित किए जाने हैं, तथा उसके समक्ष जो चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, उसके बारे में पूर्व विचार करने के लिए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। बहुत समय से देखा जा रहा है कि भारत के जनजाति जो वर्ग है, जो भारत की जो है 8.6% जनसंख्या का निर्माण करते हैं, उनके जो योगदान जो कृषि संबंधी या जो वन संबंधी जो हमारी जो क्रियाएं हैं उन सब में, तथा भौगोलिक और सांस्कृतिक पारंपरिक जो भारतीय संस्कृति है उसमें उनका काफ़ी योगदान रहता है, परंतु उनके विकास में जो हमारा जो योगदान है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ता है। वहाँ पे अभी भी हम जनजातीय वर्गों में पाते हैं कि शिक्षा का काफ़ी अभाव है, काफ़ी गरीबी पाई जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़मीनी विवाद भी दिखाई पड़ता है, नक्सलवाद की समस्या भी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके विकास के प्रति पूर्ण रूप से हम कोई प्रयास सार्थक उस प्रकार से नहीं कर पाए। हालांकि 2% जो आरक्षण भारतीय संविधान में उल्लेखित है वो उनके विकास के लिए ही किया गया था, पर आज के समय में देखा जा रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है। तो पुनः एक नवीन दृष्टि के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। हमारे महाविद्यालय द्वारा 18-19 फरवरी को एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी जो ICSSR न्यू दिल्ली द्वारा हमको प्रायोजित प्राप्त हुई है, उसी के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, ताकि जनपद के और बाहर के लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि बड़ा कार्यक्रम शिक्षा का हमारे बीच आयोजित हो रहा है। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय जनजातीय सशक्तिकरण है। जनजातीय समाज को हम देखते हैं कि समाज के सबसे कमजोरतम श्रेणी में आते हैं। जनजातीय समाज की पहचान के लिए जब संविधान बना तो उसमें इस प्रकार का आधार रखा गया कि जो जनपद मतलब आम जो सब
समाज से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, जंगल के क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी विशेष प्रकार की संस्कृति है, ना तो तत्कालिक समाज ने उन्हें अब मिलाना चाहा, ना उन्होंने भी संग मिलना चाहा। लेकिन हम जब भारत की जनगणना की बात करते हैं और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अगर इससे अछूता रह जाता है विकास की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से जो हमारा विश्व गुरु का बनने का सपना है वो साकार नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि 75 ईयर्स गुजर जाने के बाद भी आज़ादी के समाज का एक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, आम जन सुविधाओं के क्षेत्र में, आवागमन के संसाधनों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से। अगर हम विकास के पैमाने को माने कि जिन क्षेत्रों में मकान की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, आवागमन के संसाधनों की व्यवस्था, नेटवर्क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो हम जनजातीय क्षेत्रों को अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा पिछड़े से नज़र आते हैं। तो इस सरकार की, हम सब की जिम्मेदारी है इस पर चर्चा करते हुए सरकार के पास ऐसे रिकमेंडेशन जाएँ जिसके लिए सरकार आने वाले समय में जो उनके संदर्भ में जो नीतियां निर्धारित करें, तो हमारे द्वारा जो सेमिनार के माध्यम से जो समुद्र मंथन, वैचारिक समुद्र मंथन है, इसके माध्यम से जो विचार निकल कर आए, आगे आने वाले समय में जब पॉलिसी का निर्धारण हो, नीति का निर्धारण हो, सरकार इन विधियों को ध्यान में रखे और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और देश समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके, इसी उद्देश्य से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।